वेलकम टू पावर किट। थैंक यू सो मच मैम। और आपकी मम्मा कैसी हैं? आंटी आप कैसी हैं? बढ़िया बिल्कुल। और आप अपना नाम बताएं और अपना शहर? नीता गोयल और महू। वाओ, नीता गोयल राइट? यस। और आपको सबसे अच्छा क्या लगता है करने में? कुकिंग। वाओ, सबसे अच्छा क्या बनाती हो आप? ये प्राची बताएगी। हाँ, प्राची बताओ, सबसे अच्छा मम्मा क्या बनाती है? चीज, इवन चाइनीज, इटालियन और साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब। सीरियसली? यस मैम। आपको तो फिर कुकिंग चैनल शुरू करना चाहिए। हाँ, बच्चे बोलते हैं। सीरियस, ऑन द सीरियस नोट आपको शुरू करना चाहिए। सो आज आप मुझे क्या सिखाने वाले हो? मैम, मैं जैसे कथक की स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो मैं तो थोड़ा कथक का बताऊं? बताओ। कथक की स्टार्टिंग मैम हम लोग धादिन दिंदासी करते हैं, ताली। हाँ। लगाते हैं, उसमें ताल होती है। Okay. तो मैं भी आपको बताऊं? हाँ, मम्मा भी करेंगी हमारे साथ, नीता जी भी करेंगी। यस मैम। चलिए नीता जी, आज बेटी को फॉलो करते हैं। मैम स्टार्ट करते हैं। थ्री गो। धा, धिन। ओके, वन फिंगर, सेकंड फिंगर, धिन, धा, नेक्स्ट फिंगर मैम, देन वापस से धा, धिन, धिन, फर्स्ट फिंगर, धिन, सेकंड फिंगर, second finger, then second finger, third finger, now third finger, then आप अपने को बताएंगे। धा, धिन, धिन, धा, धा, वापस से धा, धिन, 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 धा, धा, धिन, 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 धा, धा, धिन, तीन बार है ना? Two times, then third time, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। वाह, वेरी नाइस। नीता जी आपको कैसा लगा? आपने कभी किया बेटी के साथ? वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नीता जी, प्राची को बड़ा करते हुए माओ में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुआ? क्योंकि माओ जितना मुझे पता है बहुत ही छोटी सी एक जगह है, बहुत छोटी सी, एमपी में। हाँ। क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए, क्या क्या दिक्कत फेस हुई? नहीं, ऐसे मुझे इसे बड़ा करने में तो दिक्कत फेस नहीं हुई, किंतु जो मुझे इसे कथक के लिए आगे मेरी जो एक ड्रीम है कि ये बहुत अच्छी डांसर बने, मैं उस चीज में अभी तक सफल नहीं हो पा रही। आपको क्या लगता है कि डांस जो कथक जैसे आप चाहती हैं कि वो आगे बढ़े, क्या उसके लिए घर बैठे बैठे वो कथक सीख सकती है? वो सीख सकती है यदि अच्छा टीचर उसको गाइड करे तो। मैं बहुत अच्छे कुछ टीचर्स को जानती हूँ, मैं कनेक्ट कराऊंगी, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन बैठे बैठे भी वो बहुत अच्छा डांस सीख सकती है। बस मैं मतलब ऐसा शादी के जैसे शादी उसके बाद जैसे फर्स्ट मुझे कंसीडर यही था यदि बेटी हुई तो मैं उसको डांसर बनाऊंगी, बेटा हुआ और वो डांस बहुत अच्छा करती है। तो बहुत अच्छा। मैम एक्चुअली बचपन में मैं भी डांस बहुत अच्छा करती थी, मेरी भी डांस बहुत अच्छी हॉबी थी। अब क्या पता अब मैं डांस ही छूट गया, मैं कर ही नहीं पाती थी। प्राची मेरे पैर तेरे को लग गए। तो मुझे डांस का बहुत इंटरेस्ट। बट क्यों ना आप दोनों साथ में कुछ करो, बहुत मजा आएगा। मैम मैं से हो नहीं पाता एक्चुअली, क्या मुझे कोलेस्ट्रॉल भी, बीपी भी थोड़ा मुझे। कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई कर लो, कोलेस्ट्रॉल बीपी थोड़ी देर के लिए चला जाएगा। नहीं बोलती मम्मी आप थोड़ी देर मेरे साथ रहो, मैं आपको सिखाऊंगी। ये बहुत अप्रिशिएट करती है, आगे करती है।
मुझे मेरी यही ख्वाहिश है कि ये बहुत अच्छी डांसर बने, कोरियोग्राफ करे, खुद अपने पैरों पर सेल्फ डिपेंड बने। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक छोटी से शहर माऊ से आई हुई एक लड़की अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, उसके ड्रीम्स बस इसे ये नहीं कह दो पाई कि मैं छोटे से शहर में हूँ। मैं अगर ऑनलाइन की दुनिया में मैं आज कहीं पर भी किसी भी वक्त पहुंच सकती हूँ, ये बच्ची वहां रह के वो ये चीज जान गई है, तभी शायद वो पावर जान गई। हाँ मतलब मैम आप उस वक्त नींद में भी बोलोगे कि प्राची डांस करना है तो वो उस वक्त भी रेडी रहेगी डांस। और ऐसे में फिर उसको सीखने का मम्मी ये कैसे, मम्मी हर एक्टिविटी को चाहती कि मैं किसी भी चीज में पीछे नहीं रह जाऊं। तो आप मुझे तीन चीजें ऐसी बताइए जो कि अगर आज आपको मिले तो प्राची, आपको लगता है कि प्राची अच्छी डांसर बन सकती है, तीन चीजें। एक अच्छी तीन, हाँ, और टीचर मेन रहता है मैम, गुरु अच्छा मिलना चाहिए तो उसे अच्छे से आगे कर देगा। और क्या चाहिए, एक अच्छा डांसर बनने के लिए एक अच्छी पोषण का भी होना जरूरी है। एक बहुत अच्छा खाना, एक डाइट प्रॉपर फॉलो करना भी जरूरी है। एक अच्छा डांसर बनने के लिए आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना भी जरूरी है। जरूरी है, राइट? यस मैम, राइट राइट। तो ये वाली तो हम आपको कैसे भी करके प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको सही इंसान से कनेक्ट कराएंगे, बट ये दोनों चीज के लिए आपको ग्रूम करना होगा अपने आप को। यस मैम, राइट, वो चीजें हम आपको अच्छे से बताएंगे। आर यू एक्साइटेड? यस मैम, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक यू अ पार्ट ऑफ पावर किड, सो आई हार्टली वेलकम मैं दोनों को, आपको भी और प्राची को भी पावर किड में बहुत ज्यादा दिल से स्वागत करती हूँ। और आगे आने वाले टाइम में ये जरूर हम कोशिश करेंगे कि आप एक मिसाल कायम करें अपने आप में कि चाहे मैं कहीं पर भी हूँ लेकिन अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। यस सर, तो आपको ऑनलाइन की ताकत समझनी पड़ेगी, उसके लिए कौन है, पावर किड पूरी टीम आपके साथ है। यस मैम, थैंक यू मैम। और क्या, अच्छा आंटी अभी मैं गाना चलाऊंगी, प्राची और मैं उस पे फेशियल एक्सप्रेशन देंगे, आप हम दोनों को जज करोगे। ऐसा लगता है जैसे इसको भगवान ने बनाया ही कथक के लिए, ये उत्तरी कथक के लिए है बोले इतने, मतलब ये तो आज 15 इयर्स, क्योंकि मैम इसके एक्सप्रेशन आज से 5 साल पहले भी यही, लेकिन ये बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस देती है, इसको और अच्छे से हम लोग ग्रूम करके लाएंगे ताकि स्पेशली। एक चीज मैं प्राची के लिए भी बोलना चाहूंगी, आपको अपने खाने में और अपने डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा आपसे अगर आप सही में डांसर बनना चाहती हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम अगर टीचर दे दे लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड और वेरी इंपॉर्टेंटली आपका, आप जो भी खाना देते हो ना अपना बॉडी को, आपकी बॉडी भी वही चीज रेसिप्रोकेट करती है। तो खाने का मैं प्रॉपर आपको एक डाइट चार्ट दूंगी। एंड आपको एक चीज रियलाइज हो रहा है प्राची कि यू नीड टू लूज वेट। यस मैम, नॉट बिकॉज इसलिए नहीं कि लोग आपको क्या बोलेंगे, इसलिए कि इससे आपकी डांस बेटर हो सकती है।
फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी में. हाँ तो ये आपको भी जाता है जब आप खाना बहुत अच्छा अच्छा बनाती हो तो तो थोड़ा हमारे के लिए ये बहुत प्रायोरिटी बेसिस में होगी कि इसका वेट थोड़ा सा लूज हो ताकि ये डांस में फ्लेक्सिबिलिटी और ला पाए. ओके मैम. अगर आप ब्रिजू महाराज जी को देखे तो उनका आज भी वेट वही है जो 50 साल पहले था. हाँ यस मैम. यस आपको लीन एंड थीन नहीं होना है. मैं लीन एंड थीन नहीं हूँ, मैं हेल्दी हूँ बट मैं फ्लेक्सिबल हूँ. हाँ तो फ्लेक्सिबल होना है. यस मैम. एम आई एबल टू टेल यू कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? यस मैम. यस अग्रीड. So you need to promise me, I'm going to take care of my food. What? Yes, ma'am. I'm taking my food properly.